सत श्री अकाल बच्चों, क्लास सत्तवीं तो सत्तवा लैसन पढ़ेंगे असी। अज लैसन का नाम है स्कूल दी प्रार्थना सभा। जैसे बेटा हर स्कूल में प्रार्थना होती है, सुबह असेंबली होती है, ये उसी के बारे में है। कैसे असेंबली करवाई जाती है, अपनी असेंबली को याद कर लो, ये लेसन आपको अपने आप याद हो जाएगा। शुरू कर दें हम। सब बच्चे प्रार्थना सभा विच बैठे सन, सारे बच्चे प्रार्थना सभा में बैठे हुए थे। सब बच्चे जमातवार लाइना विच बैठे सन, सारे अपने अपनी कक्षा के अनुसार बैठे थे लाइनों में। उन्हां दे नाल उन्हां दे इंचार्ज अध्यापक खड़े सन, और उनके साथ ही उनके जो इंचार्ज होते हैं अध्यापक, वो साथ में खड़े थे। पीटीए मैडम ने बच्चियों नूं पीटी सौ वास्ते खड़े होने लिए किया, तो सब बच्चे एकदम खड़े हो गए। जो पीटीए मैडम थी उसने बच्चों को पीटी के वास्ते खड़े होने के लिए बोला, और वो एकदम खड़े हो गए। पीटी आई मैडम सामने स्टेज पे खड़े हो गए। जो पीटीए मैडम थे, जो स्टेज बनी हुई रहती है सामने, जैसे अपने स्कूल में बनी हुई है, वहाँ पर खड़े हो जाते हैं आके। उन्होंने गल विच विसल सी ते हाथ विच डंडा लहरा रिया सी। उनके जो गले में था, गल होता गला बेटा, गले में उसने सीटी बजाई, सीटी रखी हुई थी, डाली हुई थी, और हाथ में एक डंडा पकड़ा हुआ था। उन्होंने सारे नाल स्कूल दा ड्रम ते बैंड बजन लगा। उनके सारे पर जो स्कूल में ड्रम होता है वो बजने लगा। ड्रम दी ताल ताल मिलाते हुए सब बच्चे हाथ पैर मारन लगे। जैसे ड्रम की ताल बजी, जैसे ड्रम बजा, बच्चे हाथ पैर चलाना शुरू करते, जैसे दाएं बाएं चलते हैं। जेड़ा बच्चा ठीक ना चलता, पीटीए मैडम ने होर अध्यापक उन्होंने जाके ठीक करन लई आख दे। जो को बच्चा ठीक नहीं काम कर रहा होता, ठीक पीटी नहीं कर रहा होता, अध्यापक और पीटी जो टीचर खड़े होते हैं सारे, तो वो जाके उनको ठीक करवाते हैं। पाँच सत्त मिनट पीटी करने तो बाद बच्चियां नू लाइना विच खड़े करके कर दिता गया। पाँच सात पीटी करने के बाद बच्चों को लाइनों में खड़े कर दिए। इंचार्ज अध्यापक बच्चिया के दंद नू यूनिफॉर्म वाल आदि चेक करन लगे। जो इंचार्ज थे अपनी अपनी कक्षा के, वो सब अपने क्लास के बच्चों के दांत, नाखून, यूनिफॉर्म और बाल ये आदि चेक करने लगे। जेड़े बच्चे इस विच पूरे नहीं सन, उन्होंने सजा मिलती जां वार्निंग दे के छड़ दिता जाता। जो बच्चे अपनी पूरी यूनिफॉर्म नहीं डाल के आते, ब्रश नहीं करके आते, नाखून नहीं काट के आते, उनको या तो सजा दी जाती है या फिर वार्निंग दे के छड़ दिता जाता है। अजिहा रोज़ चलता सी, ऐसा हर रोज़ होता था। इस तो बाद प्रिंसीपल मैडम स्टेज पर आए थे, वो बच्चिया नू कुछ चंगिया गल्ला दसन लगे। इसके बाद प्रिंसिपल मैडम स्टेज पे आते हैं और वो बच्चों को अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। गल्ला छोटिया छोटिया सन पर उन्हों का कोई मतलब सी। बातें तो वो छोटी छोटी होती थी, लेकिन उनका कोई ना कोई मतलब जरूर होता था। वह दस रहे सन प्यारे बच्चों, वो बता रहे थे कि प्यारे बच्चों, स्कूल एक विद्या का मंदिर है, इसनों साफ रखना तुहाडा पहला काम है, कि जो स्कूल है ये विद्या का मंदिर है और इसको साफ रखना तुम्हारा पहला काम है, पहला ही सबसे यानी कि पहला काम आपको स्कूल का साफ रखना है। जेड़े बच्चे अपने घर आले दुआले गली मोहल्ले स्कूल आदि की सफाई रखते हैं, वह बीबे बच्चे अखवाते हैं। जो बच्चे आए अपने घर के आसपास हो गया, गली मोहल्ले में और स्कूल में सफाई का ध्यान रखते हैं, वो अच्छे बच्चे होते हैं, उनको अच्छे बच्चे बोला जाता है। इस तो अलावा स्कूल विच मन ला के पढ़ाई करो, अपने अध्यापक का कहना मानो। और वो कहते हैं कि भाई अपने अध्यापक को कहना मान लो, स्कूल में जो पढ़ते हैं उसको ढंग से पढ़ो अच्छी तरह से। स्कूल दी हर चीज़ तुहाडी अपनी है, इस नू कदी कोई नुकसान ना पहुंचाओ। कि जो स्कूल है, ये स्कूल में जो भी चीज़ है ये तुम्हारी अपनी है, इस पर कोई नुकसान नहीं पहुंचाना।
ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਓ। ਜੋ ਆਪ ਕਲਾਸ ਮੇ ਹੈ, ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਪੜ੍ਹਤੇ ਹੈ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਉਨਕੇ ਸਾਥ ਪਿਆਰ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰੋ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਾ ਕਰੋ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਕਦੀ ਆਪਸ ਮੇ ਲੜੋ ਮਤ, ਔਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਔਰ ਜਹਾਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚੋਂ ਕੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਏ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਵਿੱਦਿਆ ਦਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਬਾਤ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਕਾ ਦਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਭਸੇ ਉੱਤਮ ਦਾਨ ਹੈ, ਸਭਸੇ ਬੜਾ ਦਾਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਗਲੀ ਜਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਫਰਜ਼ ਹਨ, ਕਿ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਕੇ ਆਸ ਪਾਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਆਪਕੇ ਕੁਛ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਆਪਕੋ ਨਿਭਾਉਣੇ ਚਾਹੀਏ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵਟਾਓ। ਹੱਥ ਵਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਘਰ ਮੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਕੇ ਸਾਥ ਕੰਮ ਮੇ ਹੱਥ ਵਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨੋ। ਸਵੇਰੇ ਸਵਖਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸੈਰ ਨੂੰ ਜਾਓ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸੈਰ ਪਰ ਜਾਓ। ਦਾਤਣ ਜਾਂ ਮੰਜਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੋ। ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕਦੀ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਕਦੀ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਰੋਜ਼ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੋਮਵਰਕ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੋ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਕਾ ਕਦੀ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੋਮਵਰਕ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਸੇ ਕਰੋ, ਔਰ ਖੇਲ ਕੇ ਲਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਾਲੋ। ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਡਮ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘਰ ਸਕੂਲ